गोरखपुर के डुमरी नंबर 2 गायघाट तकिया मेदिनीपुर में गेहूं फसल में आग से हुए नुकसान के लिए किसानों को शनिवार को सहायता राशि दी गई। शासन के निर्देशानुसार मंडी परिषद द्वारा संचालित मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना के तहत खेत में खड़ी फसल के जलने से प्रभावित 40 किसानों को तहसील सदर परिसर में सभाकक्ष में तहसीलदार संजीव कुमार दीक्षित ने 17 किसानों सहित 40 किसानों को लगभग 4 लाख रुपए का चेक दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए तहसीलदार संजीव कुमार दीक्षित ने कहा, आपका 5,900 शारदा देवी आजा, शारदा देवी 3,465 बेली फसल आपका जो जला था, रामनयन का दर्शन नहीं, इंद्राशन आ जाइए, मेवाती रामचंद्र की पत्नी है आप, मेवाती आता है ना, उसके बाद राम दुलारे, ₹17,479 रामपत तीन पुत्र वधु हैं उनकी, एक ही साथ रहते हैं ना, हाँ भाई एक ही लड़के, राम जियावन आ जाओ, राम हरक 18,942 हो गया, लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी के और ये अरुण दोनों ये लेंगे, कौन कितना क्षेत्र है, 1,078 जितना तो हर जरा रहा उसने, कौन जरी सब वहाँ देखा वही के दिन वक्त जितना तुहार रखवा है वही पर मिली ना, जाप का हिस्सा जितना है उतने में मिलेगा ना आपको, चलो अरुण के बाद राम जी, अब तो गाड़ी नहीं बता जितना रखवा वो उतने मिले ना आपको, मोहन की पत्नी है सुनीता नाम है आपका, मोबाइल नंबर है ना, ठीक है सब लोग अपना अकाउंट में डाल दीजिएगा इसको, ठीक का फसल जल गया था, 9,317 रुपए का चेक है, ठीक है ना, सरकार के द्वारा फसल जल जाने का हो गया, चलिए मिश्री पुत्र बिशुन हरिलाल 17,553 आप सामने देखिए, पत्नी आपकी कहाँ जिनका छूट गया हो वो आज के खाता या मैं भिजवा दूंगा, हाँ जी वो फसल में आग लगने से जो क्षति हुई थी उसके बारे में जंगल डुमरी नंबर 2 के 17 किसान अभी हमारे यहाँ आए हैं, 1,55,000 रुपये के आसपास उनका मुआवजा है, और सुबह हमने कुशुमी में जाकर वहाँ के 21 किसानों को लगभग 2.5 लाख रुपये की मुआवजा राशि प्रदान की उनके गांव में जाके, कुल 40 किसानों को सहायता दी गई, 3,88,000 के आसपास है वो एग्जैक्ट फिगर, थैंक यू।